Good morning. My name is Ramayan Akil Paul, Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering for the Silli Polytechnic. Today is the dated on 7th Jan 2022. IT is a subject for Advanced Construction Methodology and Equipments. Today is the topic of power shovel, drag lines, and heavy equipments. Heavy machinery, earth moving machinery equipments. Okay, so let class started. Thank you. Good afternoon, sir. Afternoon. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello. Previous class में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इन इक्विपमेंट्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम कुछ पता है? बताओ। गर्डर पढ़ रहे थे सर, गर्डर। हेलो, हाँ बोलिए। अरे क्लास ले रहे हैं, है। रुक जाइए, और आधा घंटा एक घंटा रुकिए ना। अच्छा ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं भेज देने के लिए। ठीक है, अच्छा सुनिए ना, क्या नाम है खाली बता दीजिए ना। सिल्ली पॉलिटेक्निक, ओनली सिल्ली पॉलिटेक्निक। अच्छा रुके, ऑनलाइन करके अब तो हम देख लेते हैं क्या सब तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ लेकिन खुला रहा क्या, नहीं पता नहीं चल पा रहा। मिडिल में जीरो होगा। रुके, कौन सा बैंक है? अरे उसमें लिखा हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ तो बताइए तो क्या नाम है? सिल्ली पॉलिटेक्निक। हाँ तो खींच के भेज देते हैं, जो कुछ और क्या। ठीक ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए। तो आज हम लोग प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर पढ़े थे? ग्रेडर सर। ग्रेडर, तो ग्रेडर होता क्या है? ग्रेडर का यूज हम लोग कहाँ किए थे? सर इसको यूज रोड में कर सकते हैं। रोड में कर सकते हैं, रोड जब हम लोग साइल के कटिंग के लिए, साइड कटिंग के लिए,
सर लेबलिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, के लिए। और तो हम लोग मेनली देख लिए कि आपका साइड कटिंग, रोड फिलिंग और रोड में लेबलिंग, उसको करने के लिए हम लोग ग्रेडर का प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से यूज किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पावर शोवेल। पावर शोवेल ऐसा मशीन है जो माइनिंग में बहुत यूजफुल होता है। माइनिंग में जहां पर माइनिंग हो रहा है उस पोर्शन पे इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है फॉर माइनिंग पर्पस। पावर शोवेल जो है वो एक्सकेवेशन यानी खुदाई करने वाला जहां पर होता है, जहां पर खुदाई का पोर्शन होता है, उस पोर्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और किसी भी मिट्टी के लिए ये कैपेबल है उसका अर्थ जो होगा आपका एक्सकेवेशन करने के लिए हर पोर्शन के लिए, मतलब कि जो आपका एक्सकेवेशन करेंगे वो पावर शोवेल जो होगा वो हर मिट्टी के लिए कैपेबल है। तो वही है, पावर शोवेल आर कैपेबल फॉर द एक्सकेवेशन ऑल टाइप ऑफ अर्थ एक्सपेक्ट रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स वगैरह होगा उस पोर्शन को छोड़कर बाकी सब पोर्शन मिट्टी के लिए ये आपका कैपेबल होगा। ठीक है, जहां पर आपका लूज सैंड, मतलब लूज जो होगा जहां पर सॉइल्स वगैरह, जहां पर लूज सॉइल्स रहता है उस पोर्शन के लिए बहुत ही कैपेबल होता है। यानी कि जहां पर पहाड़ है, पहाड़ में ऐसे भी पहाड़ होते हैं जहां पर आपका सिर्फ स्टोन स्टोन होता है, और एक ऐसा पहाड़ होता है कि जिसमें आपका सॉइल के साथ स्टोन होता है, तो उस पोर्शन में जहां पर आपका सॉइल वाला पोर्शन है उस पोर्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा कैपेबल होता है और कटिंग करने के लिए अच्छे से कटिंग करता है। तो पावर शोवेल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, पावर शोवेल, पावर शोवेल जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक्सकेवेशन पर्पस के लिए आर्ट मूविंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं, जहां पर हम लोग जो है एक्सकेवेशन करके और जो जितने भी सारे मिट्टी है उसको उठाकर, और जो हमारा जो ट्रक होगा, डंपर होगा, ट्रैक्टर होगा, उसके ऊपर में ये आपका फिल करने के लिए ये आपका कैपेबल होता है। जब हम इसका फिगर दिखाएंगे, जब इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे या वीडियो देखेंगे, तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि ये मतलब कि इसका जो एक्सकेवेशन का जो बकेट है, मतलब कि जो आपका ये पावर शोवेल का जो बकेट है, ये बकेट इतना बड़ा है, इतना हैवी है, जो कटिंग भी अच्छे से अच्छे जो है मिट्टी को कटिंग भी अच्छे से कर लेता है। इसके साथ साथ वहां पर फिल करने के लिए वो नीचे पोर्शन में यहाँ पर ये जो है ये पोर्शन खुल जाता है, उसके बाद वहां से ये पीछे से जो कवर लगा हुआ है ये कवर खुल जाता है और मिट्टी इजिली भी वहां पर गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बकेट के साथ एक हिस्ड केबल लगा हुआ है। इस केबल जो होगा यहाँ पर जो होगा केबल के साथ इसको अप एंड डाउन करने के लिए, मूविंग करने के लिए इस पोर्शन के लिए यूज हम लोग कर रहे हैं ये बकेट के लिए। और ये वाला जो बूम वाला पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो एंगल है यानी अर्थ के साथ जो इसका एंगल होगा, यानी कि इसके साथ जो ये एंगल बना रही है ये आपका 40 डिग्री के अप्रॉक्स, मतलब कि 40 डिग्री से लेकर आपका 60 डिग्री 70 डिग्री तक हम लोग इसका यूज करते हैं। 60 डिग्री 40 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल बनाते हैं और इजिली वे में वहां से काम कर सकते हैं। तो जो ये हो रहा है ये आपका जो सपोर्ट केबल है, ये सपोर्ट केबल के साथ इसको हम लोग ये सपोर्ट केबल लगा हुआ है इसके साथ हम लोग इसको आपका कम बेसी करके यहाँ पर हम लोग उसको रखते हैं पावर शोवेल के साथ। वहां पर कटिंग और फिलिंग करके मिट्टी को वहां पर से हम लोग कट करते हैं और कट करके और नीचे बकेट को यहाँ पर से, ये क्या होता है कि यहाँ से 360 मूवेबल हो है। ये पोर्शन क्या है कि 360 ये मूवेबल है, तीनों साथ 360 डिग्री ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो 360 डिग्री ये मूव करता है, गोल घूम के ये आपका काम करता है। यानी कि अगर इधर कोई आपका व्हीकल है, इस व्हीकल पे हम लोग को यहाँ से
मिट्टी को इस पोर्शन से पहाड़ को, जो ये पहाड़ है इसको कट करना, और कट करके इस पोर्शन पे जो आपका व्हीकल है इसके ऊपर में फिल करना है, तो इसमें रखना है, तो ये मूव कर जाएगा ऑटोमेटिक, इस पोर्शन से इस पोर्शन जो है ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा, मूव करके इसके ऊपर में रख देगा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा स्पिंडल ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, सडल ब्लॉक, ठीक है, तो सडल ब्लॉक जो है यहाँ पर बोन है लगा हुआ, इस पोर्शन से क्या कर रहे हैं कि इसको भी आपका सपोर्ट्स करने के लिए ये सडल ब्लॉक लगा हुआ है, और ये पोर्शन में यही आपका हिस्ट केबल लगा हुआ है, ये पोर्शन से देख रहे हैं कि एक हिस्ट केबल यहाँ से ऐसे करके और यहाँ तक लगा हुआ है, यही सेम हिस्ट केबल यहाँ भी आपका लिखाया गया, यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है, और ये पोर्शन को हम लोग बूम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लंबा वाला है, ये लंबा वाला क्या है, इसका नाम है स्टिक, ये स्टिक लगा हुआ है, इस स्टिक के मदद से हम लोग वहां पर आपका इसको जो बकेट है, बकेट को अप एंड डाउन सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस जो स्टिक है उस स्टिक की मदद से हम लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी जो केबल्स लगा हुआ है उस केबल के मदद से आपका सपोर्ट करता है, इसमें ये जो सपोर्ट लगा हुआ है इस पोर्शन से घुमाकर इस पोर्शन में लगा हुआ है, एक पोर्शन इधर आया हुआ है, एक लंबा इधर गया हुआ है, केबल इसके सपोर्ट्स किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक हाउसिंग बना हुआ है, हाउसिंग मतलब कि एक केब है, उस केब के अंदर से ही ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ, और यहाँ पर ए टाइप का एक फ्रेम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ए फ्रेम। ए फ्रेम हम जब डायग्राम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा वहां पर लगा कैसा दिखता है। और इसके साथ एक क्रूएल, एक क्रूएलर लगा हुआ है, क्रूएलर मतलब क्या कि चैन जैसा यहाँ पर पोर्शन लगा हुआ है, उसी को हम लोग क्रूएलर, तो क्रूएलर, क्रूएल जो होगा ये क्या होगा, मिट्टी में इजली वे में काम चलेगा, झाड़ी पर काम चलेगा, ठीक है, मतलब ये स्मूथ में चलेगा वहां पर, मतलब ये चलने में इसको किसी प्रकार का, यह जमीन को पकड़ कर चलता है, यानी कि व्हील रहेगा, तो व्हील के साथ में क्या होगा कि व्हील जो होगा आपस में जहां पर व्हील का लोड है वहीं पर आपका पकड़ेगा, और ये जो इतना लंबा है इसके साथ में इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, ये टोटल इस पे टोटल जो सरफेस एरिया है इसका, टोटल एरिया पर ये लोड पड़ता है और जमीन को पकड़कर ये पूरे को काम करता है, और बहुत ही हैवी इक्विपमेंट है ये कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए हैवी इक्विपमेंट है। इसके सारा पार्ट्स का नाम हम लोग तो पढ़ लिए कि ये सुटेबल कहाँ कहाँ के लिए होता है, तो यहाँ लार्ज लिफ्ट डंप अर्थ द बेसमेंट इनटू ट्रक इनटू रिक्वायर फॉर लॉन्ग बूम्स ऑन लार्ज ओवर, यानी कि लॉन्ग बूम के साथ में क्या है, जो बूम वाला पोर्शन देखे थे उस बूम के साथ में क्या देख रहे हैं कि एक आपका लार्ज सॉवेल लगा हुआ है, यानी कि बड़ा सा कुदारी टाइप का लगा हुआ है, मूव बकेट लगा हुआ, उस बकेट से हम लोग वहां पर जो है फॉर एक्सकेवेशन, ठीक है, एक्सकेवेटिंग ब्लास्टिंग रॉक्स, जहां पर ब्लास्टिंग रॉक किया जाता है उस जगह पर उठाने उठाने का काम किया जाता है ब्लास्ट करने के बाद, फिर लार्ज साइज ऑफ और द डीपर हो गया, फिर इजिली हैंडल, इजिली हैंडल बिगर साइज, यहाँ पर इजिली वहां पर हम लोग जो है डीपर के साथ वहां पर हम लोग इजिली में हैंडल कर पाते हैं, एक्सकेवेशन फॉर द हार्ड एंड टफ बेड सॉइल, यानी कि जहां पर हार्ड भी होगा और टफ भी होगा उस पोर्शन में उस सॉइल का हम लोग वहां पर यूज कर। तो पावर सोवेल जो यहाँ पर हम लोग देखे कि इस आपका कहाँ पर यूज करने के लिए हम लोग फोर्दर यहाँ पर क्या है, हार्ड एंड टफ बेड सॉइल, यानी कि हार्ड सॉइल और टफ सॉइल उस पोर्शन पे इसका यूज करते हैं, ठीक है, हार्ड सॉइल टफ सॉइल के यहाँ पर पोर्शन पे इसका यूज होता है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं, यानी कि ये हैवी मशीन है, ऐसा मशीन है कि ऑल टाइप ऑफ सॉइल में ये कैपेबल होता है एक्सकेवेशन के लिए, यानी कि वो अच्छा है, कैपेबल है आपका एक्सकेवेशन पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेल माउंटेड सोविल, ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि जो क्वेल माउंटेड अभी हम देखें, इसके साथ जो ये आपका जो पावर सोवेल है, ये आपका व्हील के साथ भी आता है, ठीक है, यानी कि इसमें चक्का भी लगा रह सकता है, यानी कि उसमें आपका क्या नाम है, हाँ, व्हील के साथ भी आपका आता है और आपका क्रूएल के साथ भी आता है। तो हम लोग वहां पर चैन वाला भी देखे क्रूएल में, और आपके इसके साथ हम लोग देखे रबर वाला भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि क्रूएल और रबर टायर व्हील, ठीक है, रबर टायर और क्रूएल के साथ यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इस टाइप का भी आपका होता है। द प्रोजेक्ट टाइम such that the need for the high hourly outputs large shovels should be used, मतलब लार्ज ये shovel का यूज करने की वजह से क्या होता है कि इसका जो टाइम है उसका कम टाइम में बड़ा काम कर देता है, यानी कि हैवी काम जो होगा वहां पर ये कर देता है कम टाइम में, यानी कि टाइम कम लगता है लेकिन काम ज्यादा होता है। ठीक है, कम टाइम में आपका काम पूरा कर देता है। तो हम लोग देखें कि आपका पावर शोवेल क्या है, पावर शोवेल के बारे में हम लोग पढ़े। अब पावर शोवेल के बारे में हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में आपको क्लियर आ जाएगा समझ में कि पावर शोवेल होता क्या है। ये वाला जो है आपका ये पावर शोवेल है, डिपेंड्स इन लार्ज पार्ट ऑन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस फ्रॉम। तो देख रहे हैं कि ये जो पावर शोवेल इसमें जो लगा हुआ है, यानी कि जो बकेट लगा हुआ है, अभी जो थोड़ा देर पहले हम सारा डिटेल्स बताए कि आपका एक स्पैंडल ब्लॉक है, एक स्टिक है, एक बूम है, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग देखे कि आपका एक बकेट लगा हुआ, वो बकेट देख रहे कितना बड़ा है। अब ये जब मूव करेगा तो देखो एक देखो कितना बड़ा है, और आपका जो इसके ऊपर में क्या करेगा, जो ट्रक है, तो इस तरह का 2 times यहाँ पर हम लोग डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रक भर जाएगा, और वहां पर जहां पर हम लोग को कम टाइम में एक्सकेवेशन कम टाइम में करके और जल्दी से जल्दी वहां पर हम लोग उस पोर्शन को खाली करने के पोर्शन पे हम लोग वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हो सकता है कि ये पोर्शन में हम लोग कुछ नया कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस पोर्शन पे हम लोग इसका यूज करते हैं पावर शोवेल का, और माइनिंग पर्पस के लिए जहाँ पर आपका कोल माइंस होगा, ठीक है, तो आयरन माइंस होगा, इस तरह से जितने भी सारे माइंस होंगे उस माइंस में इसका यूज किया जाता है। तो बकेट देखे, देखो ये हमारा स्टिक है, ये हमारा बूम है, और ये सब आपका केबल है, ठीक है, जितने भी सारे यहाँ पर जो है केबल्स लगा हुआ है, ये बूम हिस्सा है, बूम वाला पोर्शन है, ये स्टिक पोर्शन है, और यहाँ पर आप बकेट लगा हुआ है, बकेट के साथ भी आपका एक केबल लगा हुआ है, उस केबल के साथ हम लोग उसका बकेट को अपने अनुसार उसको उठाना, कम करना,
इस तरह से वहां पर यूज करते हैं। The next generation AC drive 4100 class shovels from P&H mining equipment. This is what you get when you take the world's finest loader to harness it to a power. Heavy machine है, बड़ा है। ये इसका हर एक part इसका अलग अलग आता है और इसको हम लोग assemble करते हैं। यानी कि वहीं पर assemble होता है। Same to same drag line भी होता है, जो drag line भी हम लोग इसी तरह से उसको भी असेंबल करते हैं। वो भी बहुत हैवी मशीन और बड़ा एम मशीन होता है। तो लार्ज एम लार्ज जो होगा लार्जर बड़ा साइज बिगर साइज है तो ये क्या करेगा, आपका जो काम है वो इजीली और थोड़ा फास्ट करेगा। यानी कि जो का टाइमिंग का हम लोग जो जहां पर होगा साथ ही साथ यहाँ पर एक्सकेवेशन भी बहुत अच्छा करेगा। तो हम लोग यहाँ पर मशीन भी देखें, इसके साथ ये केबल देख पा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर हैवी हैवी केबल लगा हुआ है और ये उसके बारे में डिटेल्स दिखा रहा है कि कैसे वहां पर आपका ये ऑपरेटिंग के लिए यहाँ पर एक कैब लगा हुआ है। इस कैब से ही आपका सूरा पूरा हैंडल करते हैं। ये कैब ऐसा होता है कि चारों तरफ से यहाँ से हम लोग देख पाते हैं, यहाँ से हम लोग जहां पर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उस पोर्शन पे दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि वह एक ही बार में ये पूरा ट्रक भर दे रहा है, यानी कि जो डंपर है वो डंपर का पोर्शन को फिल कर दे रहा है एक ही वन टाइम में। ठीक है, ये सब जो है इसका एडवांटेज है कि कम टाइम में हैवी काम करता है, बहुत अच्छा काम कर लेता है। अब इसका सारा कंट्रोल सिस्टम के बारे में दिखा रहा है कि कैसे ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए जितने भी सारे इसका आपका लगा हुआ है ये सब कंट्रोलिंग में, ये सब सारा इक्विपमेंट्स में इंटरनल मशीन में कैसे सारा वर्क करता है। अगर मान लीजिए चलो नीचे ब्लेड लगा हुआ, ब्लेड को कैसे वहां पर आपका आगे निकालना, ढक्कन पीछे कैसे खोलना, तो सारा फंक्शन के साथ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। देखो एक्सकेवेशन एक पोर्शन में कितना हैवी में कर रहा है। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए आगे साइड में वो देते हैं और बैक साइड में इस तरह का हम लोग लगाते हैं। और यहाँ आपका जो लेवलिंग में है कि नहीं है, आपका वो आपका इक्वल में है कि नहीं है, कहाँ एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, ये आपका सारा कुछ जो होगा, किधर आपका वर्क हो रहा है, किधर आपका ज्यादा लोड लग रहा है, किधर आपका कम लोड लग रहा है, तो ये सब सारा कुछ जो बैलेंसिंग के साथ यहाँ पर ये जो मॉनिटर है इसमें सब कुछ दिखाता है। इसके साथ ऑपरेट भी है, इसे हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग टाइमिंग दे देंगे कि इतना टाइमिंग में ये पोर्शन करना। यहाँ पर जो है ड्रम लगा हुआ है और जो ऊपर में मोटर लगा हुआ है उस मोटर के हिसाब से वहां पर क्या होता है कि उसका जो मूवेबल है यानी कि घुमाने का है, यानी कि 360 मूव करना है, उसके लिए हम लोग वहां पर मोटर लगा कर उसको मूव करा सकते हैं। उसके साथ जो वायर केबल है लोड के साथ, अगर लोड उठा रहा है तो उसमें जो केबल है केबल को मोड़ने का काम, यहाँ पर देखो नीचे रोलर लगा हुआ है, ऊपर मोटर लगा हुआ है, उस मोटर की मदद से आपका रिवर्स या फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों तरफ से हम उसको मूव करा सकते हैं। और उसके साथ वहां पर हम लोग उसको जो हिस्ट वाला पोर्शन है उसके साथ में वो आपका जो बकेट वाला पोर्शन है, बकेट को उठाना आखी करना उसी में सारा कुछ होता है। ये आउटपुट साइड देखो, ये इनर साइड था, ये आउटपुट यहाँ इनर के साथ यहाँ आउटपुट में दिखा रहा है कि एक केबल बाहर में इस तरह से आपका लपटाता है और यहीं से आपका जो खुलता है। यहाँ पर सारा केबल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर केबल जो है without a hoist and crowd system to match. And that all starts with the P&H design twin leg dipper handle.
अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो एक्सकेवेशन वाला पोर्शन है, एक्सकेवेशन इजीली में हो जाता है और बड़ा बड़ा एरिया में हम लोग उसको एक्सकेवेशन कर सकते हैं। ये आपका वॉकिंग कर सकता है, यानी कि पैदल वो आपका मूव कर सकता है चक्के पे, इसके साथ स्विंग कर सकता है, ठीक है, चारों तरफ स्विंग करके कर सकता है, और रिस्ट जो ऑपरेशन कर सकता है, यानी एक्चुअल वर्किंग ऑपरेशंस टू ए शोवेल डिजाइन फॉर द लाइक ऑफ डिगिंग, मतलब डिगिंग वगैरह कर सकता है, यानी कि बकेट जो हम लोग इसका देख पा रहे हैं बहुत हैवी आपका इक्विपमेंट है, और इसका जो बकेट है कितना बड़ा लार्जर साइज है, इसके साथ में हम लोग इसका टीथ देख पा रहे हैं कैसे इसका दांत है और कैसे ये कट करता है और इजिली में वहां पर ट्रक के ऊपर में फिल कर देता है। For lower cost per ton. And the lower words consisting of the carbine. यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे जो लगा हुआ है लोअर में, यहाँ पर ये जो आपका क्रुएल जो लगा हुआ है, क्रुएल माउंटेड व्हील, ये जो व्हील लगा हुआ है इसके ऊपर में दिखा रहा है कि कैसे इसके ऊपर में आपका कर रहा है, और ऊपर में देख रहा है कि गोल वाला जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, the crawler system features rugged P&H motors and planetary transmissions. Delta technology provides smooth crawler delta engagement, agile machine positioning, and enduring performance with reduced maintenance. To help further reduce the cost of ownership, yes, the modular system components for ease of access and maintainability. अब देख पा रहे हैं कि जो ट्रक है इसके ऊपर में वन टाइम में एक ही बार में इतना फिल कर देगा कि ट्रक हमारा फुल हो जाएगा, और इसके साथ में हम लोग क्या है कि इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट टीम होगा, उसके साथ में हम लोग हर कुछ उसका एक एक पोर्शन को चेक करने के लिए किस पोर्शन कैसा वर्क कर रहा है इंटरनल में सारा कुछ टेस्टिंग करने के लिए, तो ये सब क्या है इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि डिसएडवांटेज होगा कि इस तरह से हमको है बार बार इसका जो सारा टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा, जो इसके अंदर में वर्क कर रहा है उसके लिए आपका जो ऑपरेटर है वो आपका स्किल्ड ऑपरेटर का जो रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, अगर ऑपरेटर नहीं आया तो आज का सारा काम हो सकता है, इस तरह से हम लोग का ये डिसएडवांटेज हो सकता है। मशीन है चलते चलते अगर कुछ खराब हो सकता है, तो ये सारा इसमें हम लोग देखे कि किस तरह से इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज और इसका यूजेस हम लोग आज देखें। तो पावर शोवेल फाइनली आज हम लोग को समझ में आ गया, फाइनली हम लोग देख भी लिए कि पावर शोवेल का यूज कैसे हम लोग करते हैं फॉर द एडवांस कंस्ट्रक्शन। ओके, तो एडवांस कंस्ट्रक्शन में हम लोग पावर शोवेल का यूज देखे, पावर शोवेल का इसका टोटल फीचर्स के बारे में आज हम लोग देखे समझे कि पावर शोवेल होता क्या है, पावर शोवेल कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग में कैसे वहां पर केबल वगैरह लगा हुआ था, सारा केबल को कैसे वहां पर एक जो है मोटर के थ्रू उसको आपका रोलिंग किया जाता था। इसके साथ साथ वहां पर हम लोग ये भी देखे कि जो पावर शोवेल है वो हैवी हैवी, यानी कि किसी भी सॉइल के लिए वो कैपेबल है, ठीक है, लूज सॉइल हो या फिर आपका हार्ड सॉइल हो तो हार्ड सॉइल के लिए भी ये कैपेबल हो जाता है, यानी कि ऐसा जहाँ पर रोक वाला पोर्शन है वो रोक को हम लोग तोड़ देते हैं बाय आपका यूजिंग अनदर इक्विपमेंट्स, यानी कि ड्रिलिंग से तोड़ सकते हैं या फिर डायनामाइट से तोड़ सकते हैं, तो जब वो टूट तोड़ देंगे उसके बाद फिर ये आपका वर्क करेगा, यानी कि पत्थर तोड़ने के बाद फिर वहां से पावर शोवेल से हम लोग इजिली उठाकर ट्रक के ऊपर में, डंपर के ऊपर में, ट्रैक्टर के ऊपर में हम लोग रख सकते हैं और वहां से हम लोग को उस एरिया को हम लोग खाली कर सकते हैं, उसके बाद वहां पर हम लोग जो भी वर्क करना चाहेंगे वहां पर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करना है, डैम बनाना है या फिर कोई भी पोर्शन करना है तो वो हम लोग वहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पावर शोवेल में देखे कि ये तीन टाइप का, दो टाइप का हम लोग देखे थे, एक पावर शोवेल आया था जिसमें कि क्रुएल माउंटेड क्रेन और क्रुएल माउंटेड आपका था, दूसरा था कि ट्रक, ठीक है, मतलब व्हील के साथ में, व्हील ट्रक माउंटेड के साथ में है, तो दो टाइप का यहाँ पर हम लोग उसका टाइप देखे। थर्ड जो होगा डीपर शोवेल, यानी कि उसमें शोवेल के साथ में डीपर लगा हुआ होगा फर्स्ट पोर्शन में, उसी को हम लोग जो है डीपर शोवेल बोलते हैं।
तो हम लोग सारा जो उसका टाइप्स था, पार्ट्स था, उसके बारे में भी देखे, उसका कटिंग टीथ देखे, एंगल ऑफ स्विंग, कैसे वो स्विंग करता वो भी देखे, उसमें जो मिडिल पोर्शन लगा हुआ था उसमें हम लोग 360 मूव करता है, गोल गोल घूम सकता है, और भी हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, उसमें हम आपको दिखा सकते हैं। तो ड्रैग लाइंस है, जैसा आपका पावर सोवेल है उसी तरह से आपका ड्रैग लाइन भी है, ठीक है। तो ड्रैग लाइन भी है, लेकिन इसमें क्या है, बूम का जो दो केबल है एक्स्ट्रा, इसके साथ में हम लोग ए टाइप वहां पर है, वो ए टाइप इसी यहीं पर दिख रहा है कि ए टाइप ये केबल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके मदद से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट्स करता है ये केबल को पकड़ने का, और साथ ही साथ यहाँ पर केबल को यहीं पर आपका ऊपर से सारा कवरिंग किया हुआ है, ताकि जो मिट्टी सॉइल इसके ऊपर गिरेगा तो खराब ना हो, ठीक है, पैसे के लिए यहाँ पर रख देता है। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर यहीं पर आपका केबल जो है आपका रोटेट होकर यहीं पर आपका गोल गोल उसको हम लोग रख सकते हैं, केबल को वहीं पर रखाता है, और ड्रैग लाइन की मदद से यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आपका ये ड्रैग लाइन का ये पोर्शन है, तो ड्रैग लाइन अभी पढ़ाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे, उससे पहले अभी हम पावर सोवेल देख लेते हैं। हाँ, ये भी आपका एक टाइप का पावर सोवेल है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डीपर सोवेल, ठीक है, डीपर पावर सोवेल। तो इसका नाम है डीपर पावर सोवेल, क्या है कि इसका जो आपका पोर्शन होगा ये आगे साइड में निकला हुआ है, इस पोर्शन के साथ में बूम लगा हुआ है, और जो स्टिक है ये स्टिक के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि दो स्टिक एक्स्ट्रा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आपका वायर केबल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको डीपर शोवेल बोलते हैं, यानी कि कटिंग करने के लिए, ठीक है, कट फॉर द रोड वर्क, जितना भी आपका डिग करना, खुदाई करना, उसका रोड का पोर्शन को कट करना, निकालना, उस पोर्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिग फॉर द बिलो ग्राउंड लेवल, कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रेंच, अगर कहीं पर हम लोग ट्रेंच काटना है, यानी कि अगर कोई जंगल और अति का है उसके बीच में हम लोग एक ट्रेंच बनाना चाहते हैं, तो ट्रेंच के लिए ये आपका डिपर सोवेल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ होगा डिगर रोड, डिगर फॉर रोड साइड बीम एंड बेसमेंट्स, ठीक है, बीम्स बनाते हैं उस पोर्शन के लिए रोड के किनारे में, उस पोर्शन पे हम लोग कटिंग करने का काम आ सकता है। साथ ही साथ जहां पर हम लोग रोड के किनारे में हम लोग बेसमेंट बनाते हैं उस पोर्शन पे भी हम लोग इसका यूज कटिंग करने के लिए यानी कि यूज करते हैं। इसके साथ साथ टोटल आपका आपका पावर सोवेल का पोर्शन खत्म हो जाता है, ये भी आपका पावर सोवेल है, ठीक है। ये पुराना जमाना में फर्स्ट टाइम जब पावर सोवेल था वो पावर सोवेल था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो फर्स्ट वीडियो दिखा है वो लेटेस्ट टाइप का जो है पावर सोवेल है, ये ओल्डेस्ट है, यानी कि 360 मूव करने के लिए इसको बहुत टाइम लगता था, धीरे धीरे गोल गोल घूम के वहां पर ट्रक के ऊपर में रखते थे और तब जाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन इजिली में होता था, ठीक है, तब कंस्ट्रक्शन हो पाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि तुरंत इंस्टेंट जितना चाहेंगे उतना मूव करा सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना हम उसको गोल घुमा सकते हैं, ठीक है, 360 मूवेबल होता है, आप जिधर चाहें उधर से घुमाकर जितना चाहें उतना हम उसको घुमा सकते हैं, और इसको गाड़ी के ऊपर में यानी कि जो हम कटिंग किए हैं उसको हम लोग वहां पर फील कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ये पुराना वाला था, ये सब ड्रैग लाइन है, ड्रैग लाइन के बारे में भी अभी पढ़ेंगे, तो ड्रैग लाइन के बारे में अभी हम दिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी। तो नेक्स्ट जो होगा आपका ड्रैग लाइन अभी ज्वाइन करेंगे तो ड्रैग लाइन के बारे में भी हम फिर से पढ़ाएंगे। सेम उसी तरह से हिस्ट प्रूफ हो गया, बूम हो गया, इसमें भी आपका ड्रैग लाइन हो गया, ये आपका ड्रैग लाइन रूप हो गया, ये आपका ड्रैग लाइन वाला पोर्शन है। अब ये ड्रैग लाइन में हम लोग देख पा रहे हैं, ड्रैग लाइन जब पढ़ेंगे उसमें हम दिखाएंगे
कि इस पोर्शन को सारे पार्ट्स का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि जो बकेट वाला पोर्शन है उस पोर्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो हिस्ट कपलर लगा हुआ है फर्स्ट में। हिस्ट कपलर क्या करता है कि जो आपका ये मिडिल पोर्शन में जो ये आपको बिल लगा हुआ है, इस बिल को पकड़ने का काम हिस्ट कपलर के थ्रू करते हैं, और हिस्ट कपलर के साथ ही कनेक्टेड आपका एक केबल होता है जिसको बोलते हैं हिस्ट रॉप, ठीक है। हिस्ट रॉप जो ऊपर पोर्शन वाला केबल है वो आपका इसमें कनेक्टेड रहता है, उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सभी को दिख रहा है, यस एंड नो, जवाब दो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम लोग अभी फिर से जब रिज्वाइन होगा उस समय हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम आप लोग से पूछ लेते हैं कि आपका अभी हम लोग पढ़े पावर सोवेन, तो पावर सोवेन के बारे में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हम पूछ सकते हो अभी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सर इसमें 3 टाइप का बताएं सर, उसका नाम रिपीट कीजिएगा। जो टाइप है, यस सर, टाइप जो है इसका आपका व्हील माउंटेड, देखो यहां पर जो है टाइप यहां पर देखो लिखा हुआ, क्रूएल ट्रैक्टर रबल व्हील टायर का ऑपरेशन होता है इसमें, 2 टाइप, ठीक है। एनी डाउट, किसी को और कुछ पूछना है? ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम दिखाएंगे आपको ड्रैगलाइन के बारे में।